सो गाइस फाइनली आज हम लोग क्रिसेंट जा रहे हैं। लाइक प्लान तो बहुत पहले से था कि मेरे को ब्लॉग बनाना है, चलो 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 चलो। एक महीने से लोग टाल रहे कि अरे बाद में बाद में बाद में, तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं एंड होपफुली भीड़ ना हो, क्योंकि संडे को नहीं जा रहे हैं। संडे को लिटरली इतनी भीड़ रहती है ना भाई क्रिसेंट में, मेरे पास एक वीडियो पड़ी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, इतनी भीड़ रहती है उधर। तो आज है वेंसडे, हम लोग जा रहे हैं क्रिसेंट और मज़ा तो आने वाली है भाई, वर्थ इट रहता है वो। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, सुना है बहुत अच्छी राइड्स हैं सब, तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग भी देखिए आगे वीडियो में। एंड फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं क्रिसेंट। अभी इतनी भीड़ तो लग नहीं रही है इधर, जैसे कि मैंने बोला था कि संडे संडे भीड़ रहती है इधर, तो यहाँ पे मज़ा तो आने वाली है क्योंकि ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है, जाते हैं अंदर बताते हैं आपको सब। एंड फाइनली अंदर पहुँच के हम लोगों को पता चलता है कि हम चार लोगों में से तीन लोगों को स्विमिंग नहीं आती। फिर चालू होती बच्चों वाली साइड जिसमें हम बच्चों से पहले घुस जाते हैं। सीरियसली मज़े तो बहुत आ रहे हैं। लाइक अभी तो हम लोग खैर किड जोन में थे तो इतना मेरे को कुछ लग नहीं रहा, मतलब गहराई भी नहीं, खैर मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो इतनी गहराई नहीं थी, तो मज़ा आया उसमें तो। बट अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत स्केरीएस्ट है, तो मैं पहले मिडिल में से चालू करूँगा इसका, ताकि मेरा थोड़ा डर दूर हो जाए। मज़ा तो आ रही है एक नो डाउट, क्यों देवेश भैया मज़ा आ रही है? बहुत बहुत टोटल लोड। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये, बीच से चालू करूंगा, फिर इस पे जाऊंगा, फिर उस पे जाऊंगा, फिर बीच में पेंडुलम है यू शेप्ड वो, फिर यहाँ फिर एक इन्फिनिटी पूल भी है, वो भी ट्राई करना है। तो अपडेट रही बताता हूँ मैं आपको सर। और ये व्हाइट वाली स्लाइड में हम लोगों को लगा कि हम लोग बहुत मजे करते होंगे क्योंकि वो बहुत आई थिंक थर्ड फ्लोर पे थी, बट आप हम लोगों को देखो हम लोग कैसे चलते चलते आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आ ही नहीं पा रहे थे हम लोग नीचे। इसमें स्लाइड है कि सीढ़ियां है भाई? बच गया फोन, बच गया फोन, बच गया फोन। मेरे को पकड़ के रखना भाई, हल्का आदमी हूँ, कहने को भारी हूँ। अरे आवाज छोड़ दे, अरे आवाज छोड़ दे, अरे गांड फट गई, अरे माचिस की, अरे माचिस की टांकी, माचिस की टांकी। आले चक में आले भाई इस वाली स्लाइड में मैं अभी आ रहा था, एकदम से ऐसा जर्क सा पड़ा मेरे,
ये मेरा होट अगर आपको दिख पाए तो ये मेरा होट फट गया पूरा नीचे से, ऐसे सारा दांत ऐसे घुस गया भंब से। चलो थोड़ी थोड़ी यादें और निशानियां लेके जाएंगे हम लोग इधर जा रहे हैं इन्फिनिटी पूल। मजा तो आ रही है यार, ऐसी बात नहीं है, 600 रुपये फुल वसूल है। तो अभी हमारी जो भी बकचोदी मजाक मस्ती और वगैरह चीज़ें थी वो सब तो हो चुकी हैं। अब रेस्टो देख रहे हैं, नहा धो के भी निकल गए, अब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। नहा धो के निकले, चेहरा दिखा दो भाई, एकदम साफ सुथरा संतूर वाला चेहरा, कतई डव के शैम्पू से धुला हुआ शैम्पू चेहरा, पूरी आवाज़ बैठ गई है चिल्ला चिल्ला के। और रेस्टोरेंट में मेन्यू देखने जा रहे हैं वैसे तो बस, मगर अभी अम्यूजमेंट पार्क जाना बाकी है, उसके बाद रेस्टोरेंट आएंगे। गर्ल्स अभी रेडी नहीं हुई, क्या इतना टाइम लगाती है ना, एक तो वही लड़की लड़की। सो अभी हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए अम्यूजमेंट पार्क, अब ये वाली राइड करने का सोच रहे हैं हम लोग पहले। ये रोलर कोस्टर में तो चार्ज ले रहे हैं, खैर 50 रुपये की टिकट है, कोई वो नहीं है, बट बता रहा हूँ मैं। भाई सीरियसली यार ये कैसा डिज़ाइन है यार, तुम लोग खुद देखो, ये मैं बैठा हूँ। देखो भाई मैं तो हूँ आउट, मेरे को होगा कंटिन्यूसली 2 राउंड में कतई जहर चक्कर है, मैं आउट हूँ भाई, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, बहुत गंदे। कोई आया ही नहीं है, खाली है बस, हम जो 4 आए थे वही है बस। क्या क्या बेफालतू का चिल्लाना है, बेफालतू चिल्लवा लो, वाह देखो चुड़ैल हो जैसी हंसी, ये देखो करो चिल्लाओ। इन तीनों को मना ही कर दिया, इन तीनों को मना कर दिया ट्रेन वाले ने। फाइनली हमारी वाटर राइड्स और अम्यूजमेंट पार्क की सारी राइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं और रिसेंट आना मज़ेदार था। एंड फाइनली सब कुछ वहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कुछ खाना खाने, क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी और लेट भी हो गया था, घर से फ़ोन भी आ रहे थे। तो गाइस अभी हम आ गए खाना खाने के लिए, और खाना हम लोगों ने मटर पनीर एंड पापड़ रायता दाल भाई नॉर्मल रोटी ऑर्डर करी है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे बता देता हूँ कैसा क्या है। हम लोग आए इधर पंजाबी होटल करके कोई है, अगर आप क्रीसेंट आ रहे हैं और वापस भोपाल आते वक्त तो टोल क्रॉस करने के थोड़ी 500 मीटर या 1-2 किलोमीटर बाद ही है। नहीं अच्छा है, अभी मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। अच्छा है, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं और वो जो भी वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, नेचर भी अच्छा है, थोड़ी क्वांटिटी कम है लाइक एक आदमी के हिसाब से ये खाना, बट हाँ अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। तो अगर हाँ हर चीज़ फ्रेश भी है, वो अभी उसके सलाद देख के समझ आ गया था कि सब चीज़ फ्रेश ही होगी। और आप लोग अगर कभी क्रिसेंट आए तो इस होटल पर रुकना, ढाबे पर अच्छा है। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के अपने मजे करने के बाद जा रहे घर की तरफ, क्योंकि घर से आ चुके 10 कॉल मुझे नहीं, बाकी सबको आ रहे, मेरे को घर की कोई टेंशन नहीं होती।